नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हेल्थ ट्रिक्स एंड टिप्स में। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाली हूँ डिलीवरी से ठीक पहले जो प्रसव पीड़ा होती है उसे प्रेरित करने के लिए आप घर पे ही कौन से प्राकृतिक उपाय अपना सकते हैं जिससे कि आपको जल्दी ही प्रसव पीड़ा शुरू हो जाए। दोस्तों कई महिलाएं ऐसी होती है कि जिन्हें डॉक्टर द्वारा दी गई नियत तिथि यानी कि जिसे एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट कही जाती है उस डेट तक भी प्रसव पीड़ा स्टार्ट नहीं होती है, तो ऐसे में डॉक्टर्स द्वारा ही चिकित्सीय ढंग से उन्हें प्रसव पीड़ा के इंजेक्शंस दिए जाते हैं या फिर मेडिसिन वगैरह दी जाती है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपको घर पे ही प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो जाए तो इसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये टिप्स पसंद आए और पहली बार अगर आप मेरे इस चैनल पे वीडियोस देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल हेल्थ टिप्स एंड टिप्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल बटन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी चल रही है और आपकी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल आपको लगती है कि होगी या फिर डॉक्टर भी आपको बताते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी, तो प्रसव पीड़ा लाने के लिए आपको मसालेदार भोजन करना चाहिए। तो प्रसव पीड़ा को शुरू करने के लिए आप मसालेदार तरी वाला खाना खा सकती हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि मसाले जो होते हैं आपके पेट को उत्तेजित करके संकुचन को शुरू कर देते हैं, पैदा कर देते हैं। तो इस दौरान आप मसालेदार खाना खाइए। लेकिन इसमें भी दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप प्रेगनेंसी से पहले से ही यानी कि नॉर्मली आप सादा भोजन करते हैं, बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन आप पहले से ही नहीं करते हैं, तो आप इस दौरान इसे अवॉइड करिए, क्योंकि हो सकता है कि इससे आपको एसिडिटी या फिर सीने में जलन की दिक्कत बढ़ जाए, तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरी टिप है दोस्तों कच्चा पपीता। दोस्तों प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में जिस तरीके से कच्चा पपीता ना खाने की हिदायत दी जाती है, ठीक उसी तरीके से प्रेगनेंसी के अंतिम दौर में अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी जल्दी हो, नियत तिथि पे हो, तो आप इस दौरान कच्चे पपीते का सेवन कर सकती हैं, क्योंकि दोस्तों कच्चे पपीते में लेटेक्स नाम का एक तत्व पाया जाता है जो कि गर्भाशय के संकुचन को पैदा करता है, संकुचन शुरू करने में काफी ज्यादा मदद करता है। तो तकरीबन 3 से लेकर 4 सर्विंग स्पून आप कच्चे पपीते का सेवन करिए तो ये आपके लिए पर्याप्त होगा। इससे आपको पर्याप्त लेटेक्स मिलेगा जिससे आपके संकुचन पैदा होने में मदद मिलेगी। तीसरा है दोस्तों चहलकदमी करना या फिर टहलना। टहलने से होता क्या है कि बच्चे का जो सिर होता है जो कि सबसे ज्यादा भारी होता है, ये आपकी गर्भाशय ग्रीवा पर दबाव डालता है, और जब गर्भाशय ग्रीवा पर दबाव पड़ता है तो इससे संकुचन पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आपको प्रेगनेंसी के अंतिम दौर में चहलकदमी करनी है, अच्छे से वॉक करनी है, सैर सपाटा करना है, जिससे कि आपका प्रसव नॉर्मल हो और साथ ही प्रसव पीड़ा लाने के लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। चौथा है दोस्तों अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल का सेवन अगर आप इस दौरान करती हैं तो ये आपके पेट को उत्तेजित करके इसमें संकुचन पैदा कर सकता है। जब प्रसव पीड़ा शुरू नहीं होती है या बच्चा समय तिथि पर पैदा नहीं हो रहा होता है तो उस टाइम पे डॉक्टर द्वारा भी कैस्टर ऑयल पीने की सलाह दी जाती है। कैस्टर ऑयल पीने से आपका पेट उत्तेजित होता है और ये आपके गर्भ में संकुचन को पैदा करता है। लेकिन दोस्तों इसको कितनी मात्रा में लेना है ये आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंफर्म कर लें, क्योंकि दोस्तों अधिक मात्रा में अगर आप कैस्टर ऑयल पीती हैं तो ये आपको दस्त यानी कि डायरिया की शिकायत दे सकता है, इस तरीके की समस्या आपको हो सकती है। पांचवा है दोस्तों अनानास। अनानास को भी दोस्तों कच्चे पपीते की तरह प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में सेवन में लेने से मना किया जाता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से प्रसव पीड़ा लाने के लिए अनानास भी काफी ज्यादा मददगार होता है। अनानास में दोस्तों एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो कि गर्भाशय ग्रीवा को मुलायम बनाता है और प्रसव पीड़ा को शुरू करने के लिए जाना जाता है। तो अनानास को भी कच्चे पपीते की तरह पर्याप्त मात्रा में अगर आप सेवन में लेती हैं तो ये आपके गर्भाशय में संकुचन को बढ़ा देता है। लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा इसका सेवन ना करें, क्योंकि इससे आपके पेट में गड़बड़ी हो सकती है। ऐसा ना सोचे कि अगर मैं इसे बहुत मात्रा में खा लूंगी तो इससे मेरी प्रसव पीड़ा तुरंत शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इसमें भी ध्यान रखिए कि जो कटा हुआ डिब्बा बंद अनानास होता है उसका सेवन आपको नहीं करना है, क्योंकि डिब्बा बंद अनानास में महत्वपूर्ण एंजाइम नहीं होता है, तो इसलिए आपको ताजे अनानास का ही सेवन इस दौरान करना है। छठा है दोस्तों रस्पबेरी के पत्तों की चाय। रस्पबेरी के पत्तों की चाय भी आपके संकुचन को प्रेरित करने में, प्रसव पीड़ा को लाने में काफी ज्यादा मददगार होती है। प्रेगनेंसी के 32 हफ्तों के बाद आप ये चाय पी सकती हैं, और नियमित तौर पे और थोड़ी थोड़ी चाय अगर आप रोजाना लेती हैं तो इससे आपके शरीर में बने रहने और आपकी मांसपेशियों को टोन करने में काफी ज्यादा समय मिल जाता है। और जैसे जैसे डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा है तो इस चाय के सेवन की मात्रा आप बढ़ा दीजिए, तो ये आपके प्रबल संकुचन में बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर आपने पहले कभी रसबेरी के पत्तों की चाय नहीं पी है
तो अब आप इसकी शुरुआत ना करें। सातवीं और अंतिम बात दोस्तों ये कि इस दौरान अगर आप इंटीमेट होते हैं अपने पार्टनर के साथ, संबंध बनाते हैं सुरक्षित तरीके से, तो इससे आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जो होता है वो जारी रहता है और ये हार्मोन जो होता है संकुचन को शुरू कर सकता है। हालांकि प्रेगनेंसी के अंतिम दौर में इंटीमेट होना, संबंध बनाना थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन आप सेफली और सिक्योरली अगर इस प्रोसेस को करते हैं तो ये आपकी प्रसव पीड़ा को प्रेरित करने में काफी ज्यादा मददगार हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थे वो 7 प्राकृतिक उपाय जिनसे आप अपनी प्रसव पीड़ा को प्रेरित कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या फिर क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल हेल्थ ट्रिक्स एंड टिप्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलूंगी नई वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।